मेन्यूज के बारे में यू हैव लर्न अ लॉट आपने देखा कि मेन्यूज क्यों एग्जिस्ट करते हैं मेन्यूज़ को कैसे आप एडिट कर सकते हैं मेन्यूज़ को कैसे आप एड कर सकते हैं बट देर इज़ मोर टू दैम देर इज़ मोर टू एक्सप्लोरिंग वट यू कैन डू विद मेन्यूज़ लाइक डिलीटिंग दैम एक्सप्लोरिंग मेगा मेन्यूज़ आप आइकन्स कैसे उन मेन्यूज़ पर ऐड कर सकते हैं हाओ यू कैन एड सम कस्टम मेन्यूज़ टू योर वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट सो लेट्स डू अ क्विक रिक ऐप ऑफ वट यू हैव लर्न सो फार आप मेन्यूज़ uh, कहां लोकेट कर सकते हैं सोचें यस यू कैन लोकेट मेन्यूज ऑन अपेरेंस मेन्यूज जब आप अपने वर्ड के डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहां पे यू विल गेट दिस ऑप्शन दिस फीचर टू लुक फॉर मेन्यूज एंड एडिट मेन्यूज़ वो है अपेरेंस मेन्यूज़ में दैट्स द प्लेस वे यू कैन एडिट मेन्यूज उसके अलावा आपने अभी तक सीखा कि मेन्यूज़ को एडिट कैसे कर सकते हैं सो मेन्यूज़ को जब आप एडिट करते हैं अपने मेन्यू सेक्शन में जाके तो वो आपको ऑप्शन दिखाएगा लाइक लिंक रिलेशनशिप टाइटल एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन नेविगेशन लेबल आप पे डिपेंड करता है कि कौन से लेबल्स को आप चेंज करना चाह रहे हैं कौन सी फीचर्स को या कौन सी ऑप्शन को आप अपने मेन्यू के लिए एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड ट्राई टू ट्राई टू बिकम क्रिएटिव ट्राई टू थिंक कि ये मेन्यूज़ कौन से हैं ये किस तरह के मेन्यूज हैं जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे नजर आते हैं अगर आप एक हैं हु फूड बिजनेस तो आपकी वेबसाइट पे फूड रिलेटेड मेन्यूज आप दिखाना चाहेंगे अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं हु इज सेलिंग समथिंग ऑनलाइन ई कॉमर्स में तो आपके मेन्यूज कुड बी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर ट्राइंग टू सेल अगर आप uh, किसी और पर्पज uh, के लिए वर्ड प्रेस को यूज करें सो योर मेन्यू वुड बी अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ योर वर्ड प्रेस वेबसाइट पर्पज और ऑब्जेक्टिव ढूंढना बहुत जरूरी है बिकॉज दैट डिफाइंस वट योर मेन्यू इज सो याद रखें कि आपको पता होना चाहिए कि मेन्यूज क्यों आपने डालने अगेन द क्वेश्चन इज क्या होते हैं मेन्यूज मेन्यूज आर लिंक्स ऑन द टॉप मेन्यूज़ आर द फर्स्ट थिंग दैट पीपल सी वेन दे ओपन योर वेबसाइट सो आप एक मेन्यू को रिमूव कैसे कर सकते हैं टू डिलीट अ मेन्यू क्लिक ऑन द डाउन एरो जो आपको उस मेन्यू लिंक पर नजर आएगा सो so, जिस तरह मैंने आपको बताया जब आप मेन्यू एडिट करने जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड पर ब्लॉक्स नजर आएंगे हॉरिजोंटल ब्लॉक्स एंड ऑन दोज ब्लॉक्स यू कैन क्लिक ऑन द डाउन एरो एंड वहां से यू कैन सिंपली क्लिक ऑन रिमूव रिमूव होने से क्या होगा कि आपका वो मेन्यू आइटम डिलीट हो जाएगा कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन भी रहती है विच इज वाई आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस काफी लोगों को लगता है कि और ये जो बिगिनर्स होते हैं वर्ड के उनको ज्यादा इस तरह की कन्फ्यूजन आती है कि अगर आपने पेजेस का एक मेन्यू ऐड किया है और आपने उस पेजेस का मेन्यू डिलीट कर दिया तो एक्चुअल पेज भी डिलीट हो गया विच इज नॉट द केस एंड आई शो यू दिस लाइव मेन्यू आर जस्ट लिंक्स मेन्यू डिलीट करने से एक्चुअल पेज डिलीट नहीं होता इसी तरह अगर आप एक कस्टम कैटेगरी का मेन्यू लिंक ऐड कर रहे हैं तो उससे कैटेगरी अगर आप उसको लेट से ऐड करके रिमूव कर रहे हैं तो उससे एक्चुअल कैटेगरी नहीं डिलीट होगी एक्चुअल कैटेगरी को डिलीट करने के लिए आपको कैटेगरी सेक्शन पे जाना पड़ेगा इसी तरह एक्चुअल पेज को रिमूव करने के लिए आपको पेज पर जाना पड़ेगा हा लेकिन अगर आप एक पेज को डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेन्यू से निकल जाएगा अगर वो मेन्यू में पहले ही ऐड हुआ हुआ है सो so, ये जो रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन मेन्यूज इनको जहन में रखें कि कैसे डिलीटिंग और रिमूविंग वन थिंग अफेक्ट्स द अदर मेन्यू लिंक्स को रिमूव करने से पेज नहीं रिमूव होगा लेकिन पेज को रिमूव करने से वो मेन्यू में से निकल जाएगा एंड आई विल गिव यू अ लाइव एग्जाम्पल टू शो दिस सो so, जैसे कि आपको बताया इट्स वेरी सिंपल टू रिमूव मेन्यू यू विल क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एंड वहाँ से आप रिमूव पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सिंपली रिमूव इट इसी तरह कुछ मेन्यू रिलेटेड प्लग हैं वो भी हम देखेंगे अगर हम इस लेसन uh, में एक्सप्लोर कर सकें सो हम मेन्यूज़ की बात कर रहे थे नाव वी विल ट्राई टू रिमूव मेन्यूज प्लीज उस रिलेशनशिप को याद रखिएगा कि मेन्यू लिंक रिमूव करने से पेज या वो पर्टिकुलर पोस्ट या वो पर्टिकुलर कैटेगरी रिमूव नहीं होगी लेकिन अगर आप उस पेज page को पेजेस सेक्शन से जाके डिलीट कर देंगे अगर आप पोस्ट को पोस्ट से जाके डिलीट कर देंगे या कैटेगरी को डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मेन्यू से निकल जाएगा नाउ आई वॉन्ट टू शो यू दिस लाइफ सो वी विल गो टू माई फेवरेट वेबसाइट योर फेवरेट वेबसाइट एटलीस्ट आई होप दिस इज योर फेवरेट वेबसाइट डिजिट स्किल्स एंड वी विल गो टू अपीरेंस एंड मेन्यूज सो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज्यादा मेन्यूज़ ऐड हुए हैं जो मेन्यू मेन्यूज़ आपके मदद से आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे दिखाएँ कि एड हो सकते हैं सो लेट मी रिमूव यहाँ से वन ऑफ द मेन्यूज लेट से मैं पाकिस्तान का जो कैटेगरी है इसको रिमूव बल्कि पाकिस्तान की कैटेगरी को रिमूव करते हुए मेरा मेरे दिल को कुछ हो रहा है तो मैं कोई और एक मेन्यू लिंक डिलीट करूँगा आपके सामने कॉन्टैक्ट का तो जो है मेन्यू लिंक आई एल क्लिक ऑन रिमूव एंड इट्स रिमूव सो मैंने अभी रिमूव क्लिक किया बट यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं गया क्यों आल गिव अ फ्यू सेकेंड्स फॉर ऑफ यू हु आर स्मार्ट क्यों सामने से कॉन्टैक्ट का लिंक नहीं गया वो इसलिए क्योंकि मैंने सेव का बटन क्लिक नहीं किया So, याद रखें कि सेव मेन्यू का बटन क्लिक करना इज मोस्ट क्रूशल क्योंकि उसी से फ्रंट एंड की वेबसाइट भी चेंज होती है so, जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया इफ आई अपडेट माई वेबसाइट नाउ, तो यू विल सी के जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है दैट्स गॉन कॉन्टैक्ट का पेज चला गया और जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक लिंक को डिलीट करने से वो पेज डिलीट नहीं होता सो लेट्स गो टू पेजेस एंड लेट सी के अगर यहाँ पे कॉन्टेक्ट का पेज अभी भी एग्जिस्ट करें यू कैन सी के कॉन्टेक्ट का पेज अभी भी यहाँ पे है सो दैट मीन्स के द लिंक मेन्यू से डिलीट करने से पेज डज नॉट डिलीट हाँ अगर आप पेज को डिलीट कर दें यहां से तो वो आपके मेन्यू से भी निकल जाएगा सो वी विल लुक एट के हमारे मेन्यू में कौन से और पेजेज हैं सो हमारे पास सरप्राइज का एक पेज है सो लेट्स ट्राई डिलीटिंग दिस सरप्राइज पेज और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज है और मैंने इसका पासवर्ड आप लोगों को बताया हुआ है लेट्स ट्राई डिलीटिंग दिस पेज और हम इसको रिस्टोर कर लेंगे तो घबराना नहीं है पेज को हमने डिलीट कर दिया अब हम जाते हैं जब अपनी साइट पे तो आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली सरप्राइज का पेज मेन्यू से निकल गया सो so ये रिलेशनशिप बिटवीन रिमूवल ऑफ पेज एंड लिंक ये आपने याद रखना है और एक और चीज भी आप देखेंगे कि जब मैं दोबारा मेन्यूज पे आऊंगा तो इट विल शो मी अ रेड बार ये मुझे दिखा रहा है कि ये कहने के लिए कि ये जो पेज है ये एग्जिस्ट नहीं करता सो इट मीन पेज डिलीट हो गया सो वर्ड प्रेस गिव यू दीज वेरी स्मॉल चेक्स जिससे आपको पता लगता है कि वट इज वर्किंग इन वट नॉट दैट्स वर्ड प्रेस इज सो अमेजिंग सो आई डू इज आई गो बैक ऑन माई बिन एंड आई विल रिस्टोर दिस पेज और रिस्टोर करने के साथ ही अगर मैं मेन्यू पे जाऊं तो देखें मेन्यूज में वापस आ गया सो so, आपने सीखा कि मेन्यूज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं एंड हाउ क्रिटिकल इट इज़ टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन मेन्यूज एंड पेजेस एंड पोस्ट एंड कैटेगरीज एंड साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि स्क्रीन ऑप्शन में टैग्स फॉर्मेट और बाकी फीचर्स को इनेबल करना मत भूलें बिकॉज दीज आर एज क्रिटिकल एज वेल सो इन द नेक्स्ट लेसन वी विल भी टीचिंग यू हाउ टू मैनेज मैन्यूज़ बिकॉज मैनेजिंग मेन्यूज़ इज क्रिटिकल ताकि आप देख सकें कि आपकी थीम में आप कहाँ कहाँ वो मेन्यूज़ को प्लेस कर सकें